केंद्र में लोकपाल और हर राज्य में लोकायुक्त ये नियुक्ति होना, इसके लिए 2011 में पूरा देश खड़ा हो गया था। 2011 में पूरा देश खड़ा हो गया, इसलिए कानून बनाना पड़ा। लोकपाल लोकायुक्त कानून बन गया 2013 के दिसंबर 2013 में कानून बना, और 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आ गई। जनवरी 2014 अभी ऐसा लगा था कि लोकपाल लोकायुक्त कानून जो बन गया उसका अमल करेगा ये, और करप्शन को ब्रेक लगेगा देश का। इन्होंने 2014 में सत्ता पर आ गया, सिर्फ अमल करना बस। 5 साल बिता दिया, 5 साल। कभी बोल रहे विरोधी पक्ष नेता नहीं है, कभी बोल रहे सीनियर कानूनविद नहीं है, कभी क्या बोलता है, कभी बहानेबाजी है। तो अभी मैं उनको बार बार 32 बार लेटर लिखा, जॉब नहीं दे रहे। इसलिए मैंने अभी 30 जनवरी महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, इसके लिए मैं अनशन करने के लिए। बीते 4.5 वर्षों में दादरा नगर हवेली जैसे छोटे से क्षेत्र में 1000 से अधिक शहरी गरीब आवास के लिए काम किया गया है, बनाए जा चुके। बीते 4.5 वर्षों से जिस कमिटमेंट के साथ, जिस स्पीड और स्केल पर गरीबों के घर बनाने का काम चल रहा है, वह अभूतपूर्व है। पहले की सरकार जहां अपने 5 साल में सिर्फ 25 लाख घर बनवा सकी थी, वहीं हमारी सरकार अब 5 साल में 1.25 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण पूरा कर चुकी है। कहां 5 साल में 25 लाख और कहां 5 साल में 1.25 करोड़ से भी ज्यादा। भाई और बहनों, ये भी सिर्फ 4 दीवारियां ही नहीं, इसमें सौभाग्य योजना के तहत बिजली का मुफ्त कनेक्शन भी मिलता है, टॉयलेट भी होता है, किचन में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन भी दिया जाता है। दादरा नगर हवेली की बात करूं तो यहां 13,000 बहनों को